स्टार्ट विथ दिस लास्ट चैप्टर नाउ विच इज थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सटेंशन ऑफ प्रोबेबिलिटी चैप्टर ब्रॉडली हम लोग तीन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं बायोमियल और पॉइन और फिर नॉर्मल अब एकदम बेसिक बात अगर करें ध्यान दीजिए ना बेटा बायनोमियल एंड पॉइनसन बोथ आर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन डिस्क्रीट डेटा एंड नॉर्मल इज अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस डेटा तो जैसे अगर हम लोगों को कोई भी इवेंट में दो ही आउटकम पॉसिबल है जैसे कि इंडिया पाकिस्तान की मैच चल रही विन या लूज सक्सेस या फेलियर तो एट दैट टाइम एंड वेयर द नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फाइनाइट हम लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रायल्स कर रहे पांच बार दस बार बीस बार तो उसमें हम लोग अप्लाई करते हैं नॉर्मली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जहां पी रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल एंड क्यू रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन ईच ट्रायल बराबर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर पी प्लस क्यू विल बी ऑलवेज इक्वल टू वन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में और फिर बायोनोमियल में हम लोग ने देखा है कि मीन कैन बी कैलकुलेटेड एवरेज मीन इज इक्वल टू एन इन टू पी वेराय इज इक्वल टू एन पी क्यू बायोनोमियल के अगर पी पता है तो क्यों मिल जाएगा अगर पी पॉइंट सेवन है तो क्यों कितना है पॉइंट थ्री अब बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मोड कैसे निकालते हैं वो पता है आपको बायोनोमियल में मोड़ कैसे निकालते हैं हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं एन इन टू पी करते हैं अगर एन इंटू पी एक अपने आप में एक इंटीजर है तो वही मोड है खत्म बात लेकिन फिर हम करते अगर वो नहीं है तो एन प्लस वन इंटू पी ऐसा हमने चार्ट बनाया था एन प्लस वन इंटू पी अगर इंटीजर है तो वो वैल्यू एंड वो वैल्यू माइनस वन दो मोड हो जाते हैं और अगर एन प्लस वन इंटू पी इंटीजर नहीं है डेसिमल वैल्यू आ रही है तो फिर उसका जो इंटीजर वाला पार्ट रहता है इग्नोरिंग द डेसिमल जैसे फाइव पॉइंट टू थ्री आया तो फाइव विल बी द मोड सिंगल मोड रहेगा

इन टू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स इसमें एन क्या है एन इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स एक्स क्या है नंबर ऑफ सक्सेज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम पी इज वॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर पी प्लस क्यू दोनों मिला करके आपका वन हो जाता है ये बेसिक डेटा है Now always x x. can take which values values up to n. These are the possible values of x. Therefore binomial distribution is called as a discrete distribution. इसके दो ही पैरामीटर इंपॉर्टेंट होते हैं दो पता है तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है एन और पी एन इज द नंबर ऑफ ट्रायल एंड पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये उसकी बेसिक बातें हैं एंड ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो द एडिटिव प्रॉपर्टी बायनोमेल डिस्ट्रीब्यूशन में एडिटिव प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है अगर अपने पास में एक डिस्ट्रीब्यूशन है एन वन कॉमा पी और एक डिस्ट्रीब्यूशन है एन टू पी दोनों का हम ऐड करते हैं तो नया मिल जाता है एन वन प्लस एन टू कॉमा पी बायनोमल में है ना पॉजिशन में एम वन और एम टू एड करने के बाद सीधा ऐड हो जाता है एम वन प्लस एम टू और उसमें भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम लोग देखेंगे जब बात करते तो देर आर अगेन टू पैरामीटर्स देर उसमें भी एडिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है तो बाइनोमियल का बेसिक बेसिक समझ में आ रहा है आपको सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड अब क्या होता है कभी कभार हमारा एक इवेंट एक इवेंट ट्रायल करने के बाद दूसरे की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है तो वहां पर बायोनोमेल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं होता है जैसे कि हम लोग अगर एक दस डिफेक्टिव में से दस आइटम में से चार डिफेक्टिव है और हम दस में से टोटल तो तीन आइटम ड्रॉ कर रहे हैं तो वहां पर जैसे ही हमने पहला आइटम ड्रॉ किया तो अब डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई डिपेंडिंग ऑन वॉट हैज हैपेंड

जो एन रहता है इट इज वेरी हाई एंड जो पी रहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इट इज वेरी लो ऐसा डेटा रहता है एन और पी वैसे तो एम निकालना है तो वहां पर भी एन इन टू पी रहता है वहां पर तो वेरायंस इज ऑल्सो इक्वल टू एम है ना क्योंकि वहां पर क्यू की वैल्यू बहुत क्यू uh, की वैल्यू बहुत सफिशियंटली बड़ी रहती है वन के करीब रहेगी पी की वैल्यू बहुत छोटी रहेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल इज वेरी स्मॉल नंबर ऑफ ट्रायल इज वेरी लार्ज सो दैट एन इंटू पी इज अ फाइनाइट नंबर तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं पॉजिशन डिस्ट्रीब्यूशन जिसका फंक्शन होता है ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल वेर एक्स कैन टेक विच वैल्यूज जीरो वन टू अपू एन बट हम लोग एन तक के जा नहीं सकते क्योंकि एन की वैल्यू बहुत बड़ी रहती है सो हम लोग जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ज्यादा से ज़्यादा इतना जाएंगे बट इट कैनॉट टेक वैल्यूज एक्स कैनॉट टेक द वैल्यूज लाइक वन पॉइंट थ्री और 0.7, इट्स नॉट पॉसिबल पॉइन में इट कैन ओनली जंप फ्रॉम वन वैल्यू टू द अदर देर फॉर वेरिएबल, वेरियबल डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो कॉल्ड एज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब की होता है कि जिसमें अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज और उसकी प्रोबेबिलिटीज लिखे अब थियोरटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है कि जिसमें थ्योरटिकली प्रोबेबिलिटीज लिखे यूजिंग स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला रैदर देन यूजिंग एक्चुअल डेटा तो हम लोग फॉर्मूला की मदद से प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमने एक्सपेरिमेंट इतने टाइम किया तो जीरो सक्सेसेस कितनी बार मिलेंगे वन सक्सेस कितनी बार मिलेगा टू सक्सेस कितनी बार मिलेगा दैट्स अ थियोरिटिकल कैलकुलेशन विच में बी यूज फॉर फर्दर डिसीजन मेकिंग राइट और फिर पॉजिशन uh, डिस्ट्रीब्यूशन में मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर इफ एम इज एन इंटीजर तो दो मोड होते हैं एम एंड एम माइनस वन इंटीज़र, तो फिर उसका जो इंटीजर वाला पार्ट रहता है एग्नोरिंग द डेसिमल पार्ट तो दैट इज द मोड जैसे 2.37 आया तो मोड क्या रहेगा 2? तो इसमें कई बार हमको e रेस टू माइनस एम रहता है तो उसी से हमको m क्या है उसकी आइडिया लग जाती है ये जो e रेस टू माइनस एम है ना फॉर्मूले में ई रेस टू माइनस एम ई की वैल्यू क्या होती है टू पॉइंट सेवन वन एट टू एट यूलर्स कॉन्स्टेंट बोलते हैं इसको तो ई रेस टू माइनस एम तो ये वाला जो एम रहता है ये क्या बताता है हमको ई रेस टू माइनस एम तो ये एक्चुअली क्या होता है ई रेस टू माइनस एम मतलब वन अपॉन ई रेस टू एम है ना इट्स जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ़ ई रेस टू एम तो आ, ऐसे हम लोगों को कैलकुलेशन करना है नाउट डिपेंडिंग ऑन द डेटा वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है नॉर्मल के तो क्वेश्चन ही थोड़े अलग से दिख जाएंगे नॉर्मल में आपको फाइव वैल्यू दिख जाएगा या तो फिर नॉर्मल में आपको कुछ जेड वैल्यूज़ दी रहेगी

इक्वल टू मीडियम इक्वल टू मोड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सेंटर से ये मेन लाइन से माइनस वन स्टैंडर्ड डिविएशन एंड प्लस वन स्टैंडर्ड डिविएशन, टुगेदर कवर्स हाउ मच एरिया 68.27 परसेंट ऑफ द एरिया प्लस माइनस वन दिस एरिया टू 68.27 परसेंट अगर प्लस माइनस टू किया नाइन्टी परसेंट ऑफ द एरिया और प्लस माइनस थ्री डिविएशन किया तो 99.73 नाइन पॉइंट सेवन एरिया तो यहां पर दो पैरामीटर इंपॉर्टेंट है एक है मीन जो कि मिड वैल्यू रहती है दूसरा है स्टैंडर्ड डिविएशन या दोनों में से एक भी पता है तो दूसरा निकल जाता है मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन अब अगर मीन uh, पता है तो दैट विल बी द दिस मिड वैल्यू स्टैंडर्ड डिविएशन से बताता है कि वो कितना हम लोग कितना उसका स्प्रेड है स्टैंडर्ड डिविएशन कम है मतलब कि वो थोड़ा वर्टिकल टाइप करेगा स्टैंडर्ड ज्यादा है मतलब थोड़ा ऐसा भी बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है वी कन्वर्ट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इंटू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जेड टेबल की मदद लेने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग करतेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंड इसको स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द वेरिएबल बोलते हैं ठीक है स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग एक्स की गिवन वैल्यू रहेगी एक्स की सपोज मिड वैल्यू है आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मिड वैल्यू सपोज है फिफ्टी और आपको फिफ्टी से सिक्सटी का निकालना है तो आप क्या निकालते हो ये सिक्सटी की करस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू निकालते हो आपको ये एरिया अगर निकालना है तो सिक्सटी की जेड वैल्यू निकालते हो उसके लिए क्या करते हो सिक्सटी माइनस फिफ्टी अपॉन स्टैंडर्डिविएशन वॉट एवर इट मे बी फाइव है तो ये टू आ जाएगा टेन है तो ये वन आ जाएगा एक्स की वैल्यू और फिर आप जेड टेबल की मदद से या जनरली एग्जाम में टेबल नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एरिया बिटवीन जेड इक्वल टू जीरो टू जेड इक्वल टू वन एरिया इज दिस मच दिस मच या टू जेड इक्वल टू वन पॉइंट थ्री एरिया इज दिस मच दिस मच दिया रहेगा सो आपको एरिया वहां पर कैलकुलेट करना होता है बट देन इन द पास्ट एग्जाम क्वेश्चन वेर सीन तो ये ज़्यादा एरिया कैलकुलेशन वगैरह पे क्वेश्चन नहीं पूछते वो लोग पूछ लिए तो पूछ लिए लेकिन

फोर फाइव ऑफ स्टैंडर्ड ये आपने ऑलरेडी किया है मीन डिविएशन इज फोर बाय फाइव ऑफ स्टैंडर्ड तो इससे आपको तीन में से कोई एक भी पता है तो दूसरी तो आराम से निकाल लोगे अगर मीन डिविएशन पता है तो उससे स्टैंडर्ड डिविएशन निकल जाएगा उससे कॉटेल डिविएशन निकल जाएगा यस yes. अब इसमें क्या और एक प्रॉपर्टी क्या है कि कॉटल वन और कॉटल थ्री इक्वल डिस्टेंस पे है कहां से मेन मीडियम से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है

टेल सिमिलरली यहां से यहां का भी डिस्टेंस विल बी इक्वल टू कॉटेल डिविएशन बिकॉज कॉटेल डिविएशन है क्या क्यू थ्री माइनस क्यू वन अपॉन टू तो ये टोटल डिस्टेंस का आधा है डिस्टेंस का आधा तो देरफोर वो बीच का पॉइंट तो हमको वैसे ही पता है तो मीडियन से क्यू वन भी कॉटल डिविएशन है मीडियन बड़ा रहेगा ऑब्वियसली और क्यू थ्री से मीडियन क्यू थ्री माइनस मीडियम इज ऑल्सो इक्वल टू कॉटेल डिविएशन सो अगर आपको कुछ वैल्यूज पता है तो उससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो स्मॉल थिंग दैट वी आर स्टडी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है मीन प्लस स्टैंडर्डियशन एंड मीन माइनस स्टैंडर्डियन ऐसे दो होते दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां से थोड़ा सा उसका कर्वेचर चेंज होता है देन और कौन सी कौन सी प्रॉपर्टीज थी हाँ असिमटोटिक वो तो हो गया ना हाँ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन की वैल्यू इक्वल टू जीरो और मतलब जेड की वैल्यू जीरो ले लेते हैं एंड स्टैंडर्ड डिशन इज इक्वल टू वन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें कन्वर्ट करके फिर हम काम करते हैं देन एक उसमें फाइव वैल्यू करके होता है फाइव वैल्यू ऑफ से अगर जीरो ले रहे हैं मतलब कि माइनस इंफिनिटी से लेकर के जीरो तक की एरिया कितनी रहेगी पॉइंट फाइव समझ रहे क्या फाइव वैल्यू ऑफ अगर वन ले रहे प्लस वन तो वो क्या रहेगी माइनस इंफिनिटी से वन तो इसको कैसे निकालेंगे माइनस इंफिनिटी से जीरो प्लस जीरो से लेकर के वन ऐसा निकालेंगे ना अब जीरो से वन कितनी एरिया है जीरो से वन मैं जीरो से वन पूछ रहा हूं पॉइंट थ्री फोर वन फोर और ये पॉइंट फाइव है तो फाइव वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है ऐसा जो सिंबल में रहेगा इट रिप्रेजेंट्स एरिया फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट ठीक है एंड अगर वो पॉइंट मीन के राइट हैंड साइड में है मतलब फाइव वैल्यू से तो ज्यादा ही रहेगी और अगर वो वैल्यू नेगेटिव है मतलब मीन से कम है तो फाइव वैल्यू पॉइंट फाइव से कम रहेगी सो नाउ इट डिपेंड्स कि डेटा किस टाइप का दिया है अब जिन लोगों को वो पूरे ग्राफ वाले क्वेश्चंस जमते हैं तो बहुत ही अच्छा है मतलब अगर आ गया तो आपको आराम से हो जाएगा स्टिल इट टेक्स टाइम तो कीप इट फॉर द सेकेंड राउंड और जिन लोगों ने अभी तक के छोड़ के रखा है तो अभी नया उसको शुरू करने का कोई मतलब नहीं है वैसे दो तीन क्लासेस में क्लास में हुआ था बैकअप में आपको मिलेगा पूरा कि उसके क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना अभी कोई क्वेश्चंस वैसे आएंगे तो हम लोग करते वरना मेनली यू विल ऑब्जर्व क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज तो बहुत इजीली हो जाएगा बहुत मजा आएगा आपको ठीक है और कोई प्रॉपर्टी हाँ पॉजिशन डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड रहता है क्योंकि उसमें पी हमेशा क्लोजर टू क्लोजर टू जीरो रहेगा है ना तो उसका जो नीचे नीचे उसका मीन आ जाएगा बाद में उसकी लंबी टेल चलेगी टू द राइट यस और नॉर्मल की कोई प्रॉपर्टी आगे की बाइनोमियल में अगर पी अगर पॉइंट फाइव है क्यू अगर पॉइंट फाइव है तो उसको अपन क्या बोलेंगे सिमेट्रिक और पी और क्यू दोनों अगर पॉइंट फाइव है बाइनोमियल में तो फिर वेराय्स की वैल्यू भी हाइएस्ट आती है आपके एक टेस्ट सीरीज में आपने मुझे नीचे पूछा था वैल्यू ऑफ इज क्वेश्चन था ना तो नाटी पी एंड क्यू दोनों अगर तो वैल्यू ऑफ वेरायंस विल बी हाइएस्ट और एक चीज npq क्यू और एनपी के बीच का संबंध क्या रहेगा ये वेरायंस है ये मीन है कौन छोटा रहेगा वेरायस विल बी लेस क्योंकि ये क्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है ना ऐसी छोटी छोटी बातें और मुझे लग रहा है कि नॉर्मल की कोई प्रॉपर्टीज अपन मिस कर रहे हैं पर वो देख लेते हैं ठीक है तो आपकी बुक में देख लो लास्ट चैप्टर थियोरटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये पेज नंबर सिक्स पॉइंट के बारे में सब कुछ दिया है सब डिस्कस हो गया है पी अगर जीरो से कम है जीरो की तरफ है तो उसको पॉजिटिवली स्क्यूड बोलेंगे पी अगर से ज़्यादा है तो उसका मीन जो है वो आगे आएगा मीन के उस तरफ उसका जो मिड पॉइंट है मोड आगे आएगा तो इट विल बी नेगेटिवली स्क्यूड के बारे में बात किया हमने देन ये सब भी हां कभी अगर आप आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है एक्सपेक्टेड नंबर निकालना है तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो उसके बाद में उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो बाय द टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कितने आप आ, कर रहे हो ये भी हमने एडिटिव प्रॉपर्टी की बात किया नॉर्मल में पी और क्यू नॉर्मल में प्योर क्यू कहां से आ गया नॉर्मल में तो प्योर क्यू है नहीं ना बेटा आप लोगों की तो बैटरी डाउन नहीं हुई है इसकी बैटरी डाउन होती रहती है तो मशीन है अपन इंसान है अपने को लगता है ना कि हो गया अपना टिपिंग पॉइंट आ गया अब नहीं होता तब अपना वन थर्ड लेवल आता है ये एक रिसर्चर ने प्रूफ किया है अपने को जब लगता है ना मेंटल इसमें बता रहा हूँ फिजिकल में ठीक है सबकी अलग अलग लिमिट रहती है मेंटल में अपने को जब लगता है ना हो गया बस अब और नहीं झेला जाता है तो तब अपन वन थर्ड कैपेसिटी अचीव कर पाए उसके बाद इतना सारा और पोटेंशियल एक्सपांशन का मैंने अभी रिसेंटली कोई पॉडकास्ट में सुना था मतलब इट इज देर इज सो मच ऑफ पोटेंशियल टू स्टिल डू फ्राम देर क्योंकि वैसे भी देखो ना आपको लग रहा है फाउंडेशन में ही पूरी बैंड बच चुकी है तो ये वन थर्ड ही है ना लिटरली वन थर्ड है इसके आगे एटलीस्ट थ्री टाइम्स डिफिकल्ट रहेगा फाइनल एटलीस्ट ओके okay? बोलने मत लगाऊ मुझे क्योंकि मुझे पता है ना उसका लेवल क्या है इंटर में ही आइडिया आ जाएगा इंटर के पहले महीने में समझ जाओगे कि क्या इट्स डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर यहां पर जो तीन महीने में आराम से टेंशन ले लेके पड़े थे वहां एक महीने में वो चीज हो भी जाएगी फिर वहां अगले महीने में और उतनी चीज़ होएगी ऐसे छः महीने तक होती रहेगी सो इट इज ईजिली फाइव टू सिक्स टाइम्स मोर देन योर फाउंडेशन क्योंकि वहां पर टाइम भी लिमिटेड रहता है सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा रहते हैं और आपके लिए अभी तक के न्यू कोर्स आने वाला ऐसा कुछ नहीं आया है अभी तक के सो so, अब आपके एग्जाम के बाद रिजल्ट के पहले आता है तो ठीक वरना ओल्ड कोर्स में आठ सब्जेक्ट कर लेंगे सह लेंगे थोड़ा नहीं तो वेट करेंगे छः आठ महीने छः महीने बारह महीने अठारह महीने आपको चॉइस तो ही ना आराम से वेट करो जब न्यू कोर्स आएगा तब शिफ्ट हो जाना तब आ जाना तब तक ही घूम के आ जाओ दुनिया घूम के आ जाओ उसमें क्या लेकिन मैं बता रहा हूँ इत, इसका लोड मत लेना आई नो आप लोग दस घंटे बारह घंटे चौदह घंटे किसी दिन पढ़ लिए होंगे तो बहुत बहुत, बहुत समझ रहे होंगे कि बहुत कर लिया लेकिन लोग आपसे भी ज्यादा मेहनत करे दुनिया में बस ये ध्यान रखना है ना ठीक है मैं आपके एफर्ट्स को अंडरमाइन भी नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये बोल रहा हूँ कि इसको कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है एक दो दिन चार दिन दो महीने के एफर्ट से भी कुछ नहीं होता है आपको अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए तो एटलीस्ट कुछ सालों का कंसिस्टेंट एफर्ट लगेगा है ना हार नहीं मानना इतने जल्दी से ये तो क्या है बैटरी है ये तो डाउन होते रहेगी और ये भी है ये फॉर्मूला याद है क्या इसका इंटीग्रल लेते तभी तो पता चलता है मेन फंक्शन है तो ये क्या ये वन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन इन टू रूट टू पाई तो ऐसा आपको सिमिलर कुछ तो भी दिया रहेगा उसमें से स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढ के निकाल लेने का और यहां से एक्स में से जो माइनस हो रहा है वो मीन रहेगा

25, नहीं नहीं? समझे? के बाद कि इसका जीरो है परफेक्टलीमेट्रिकल यूनि मोडल है ना मोड एंड मीन इक्वल वैल्यू ऑफ म्यू एंड स्टैंडर्डिविएशन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये ये ये, yes, बस एक लास्ट ये वाली प्रॉपर्टी रह गई सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट्स इज ऑल्सो नॉर्मल वेरिएट राइट right? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बस मीन uh, का तो एडिशन हो जाता है नए नॉर्मल वेरिएट में एंड वेरायंस का एडिशन होता है जिससे नया वेरायंस मिलता है तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन चाहिए तो वेरायंस के एडिशन का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ओके okay, जैसे ये अगर थ्री है ये अगर फोर है तो ये क्या हो जाएगा थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर का स्क्वायर रूट मतलब कि फाइव पाइथागोरस थ्योरम वैसा कुछ तो ओके okay, आपने था गया। तब थोड़ी देर पहले किया था ना अपन ने थोड़े दूसरे उल्टा किया था इसका स्टैंडर्ड डिविएशन इस्टेल डिविएशन वो आया था पंद्रह इज टू बारह इस टू दस तो यहां पर आंसर क्या रहेगा दस बारह पंद्रह ऑप्शन से वैसे ही समझना चाहिए सी ये सबसे छोटा रहेगा मीन डिवेशन उससे बड़ा ऑप्शन देखो अब इसमें क्या दिख रहा है एक्स माइनस थ्री दिख रहा है ना मतलब मीन तो थ्री है लेकिन ऑप्शन में तीनों जगह मीन तो थ्री दिया हुआ है. <laughs> है ना तो उसमें कोई बड़ा अपन ने तीर नहीं मार लिया फिर ये क्या था वन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन रूट टू पाई इसको सॉल्व करके हम लोगों को ये वाली वैल्यू निकालना है तो देखो रूट टू अपॉन पाई इज इक्वल टू वन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन इन टू रूट टू पाई इससे हम लोगों को क्या निकालना है स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आ रहा है क्या ये देखो क्या क्या कट जाएगा बेटा रूट पाई और रूट पाई कट गया ये रूट टू इधर चला गया रूट टू में मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया टू हो गया सो वन अपॉन स्टैंडर्ड डिशन इज इक्वल टू टू देखो स्टैंडर्ड डिशन इज इक्वल टू वन बाय टू जमता है तो ठीक नहीं तो छोड़ देने का ये जो है ये इसको हम लोग ने इसके साथ इक्वेट किया वन बाय टू क्योंकि कई स्टूडेंट ये पॉइंट तक क्लास पर टिके ही नहीं थे तो अभी कैसे अभी एकदम से जम जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं देन

फॉर अ अमिल डिस्ट्रीब्यूशन चलो ये कैलकुलेशन वाला है बाद में करते हैं प्रॉपर्टी वाले पहले फटाफट निपटाते जाते हैं सेवेंथ में क्या दिया है पैरामीटर लैमडा क्या हुआ अच्छा लैमडा नाम है उसका ग्रीको सिंबल है पूछ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा ई रेस टू माइनस एम इन टू एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल एक्सपेक्ट टू फैक्टोरियल टू होता है कौन सा ऑप्शन से मैच हो रहा है ए इफ द मीन एंड आर फाइव एंड थ्री रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू इज देख लो मीन फाइव है वेराय थ्री है तो यू कैन इजिली कैलकुलेट ना एन पी इज इक्वल टू फाइव एंड एन पी क्यू इज इक्वल टू थ्री देर फोर क्यू क्या हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू थ्री बाय फाइव मतलब पॉइंट सिक्स देर फोर पी इज इक्वल टू पॉइंट फोर कौन बड़ा है क्यू बड़ा है ऑप्शन बी मीन और वेरायंस का बेसिक फॉर्मूला तो पता रहेगा ना मीन एंड ओके एंड इट इज अ केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इट कैन बी बी अ अ केस केस ऑफ ऑफ इट नॉर्मल उसमें तो ये सब हमने मतलब उसमें तो निकाल ही नहीं सकते पी एन क्यू होता ही नहीं है देन ये समझा क्या बेटा एनपी क्यू की मदद से इसकी मदद से क्यू कैसे मिल गया इक्वेशन टू अपॉन वन किया मैंने एनपी क्यू अपॉन एनपीक्वल टू थ्री अपॉन फाइव तो क्यू मतलब थ्री अपॉन फाइव दी छोटा आएगा ना देन फोर कॉइन्सटी वॉट इज दबिलिटी डू नॉट टर्न अपर्ड एट ऑल फोर कॉइंस डू नॉट टर्न हेड अपर्ड एट चलो कर ही लेते हैं अभी बोलिए सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी निकालो बाद मेंंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको कितनी बार सक्सेस चाहिए हाँ, कितना हो जाएगा देखो 1600 टाइम आपने टॉस किया है नो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट ऑल द फोर कॉइन टर्न हेड अपवर्ड व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू नॉट टर्निंग हेड उसका भी वही हो गया वन बाय सिक्सटीन प्रोबेबिलिटी हो गया ये हो गया बेटा पी इज इक्वल टू वन बाय सिक्सटीन एन इज इक्वल टू सिक्सटीन हंड्रेड Therefore, m is equal to n into p. सोलह सो इंटू वन बाई सिक्सटीन हंड्रेड यह आ गया m. ये एम आ गया राइट अब क्या to minus m into m raised to x. e raised to minus m into m raised to x. आपको जीरो बार सक्सेस चाहिए वैसा है ना अपॉन एक्स फैक्टोरियल तो आंसर विल बी ऑप्शन डी फॉर अ नॉर्मल वेरिएबल इफ द फर्स्ट मोमेंट अबाउट फोर इज सिक्स मतलब कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट फोर का मतलब क्या होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस फोर अपॉन एन इज इक्वल टू सिक्स ये होता है फर्स्ट मोमेंट तो देरफोर आपको पूछ रहे हैं अरिथमेटिक मीन कितना रहेगा तो अगर चार से डिवेशन लिया तो सिक्स आ रहा है तो अरिथमेटिक मीन कितना रहेगा तो सॉल्व करो इसको क्या हो जाएगा ये समेशन एक्स माइनस फोर एन इज इक्वल टू सिक्स एन बराबर है इससे आपको क्या मिल जाएगा समेशन एक्स ये इसको ऐसा कर लो एम पूछा है ना ये नीचे क्या लिखा अपन ने एन इसको ऐसा कर लो समेशन एक्स अपॉन एन माइनस फोर एन अपॉन एन इज इक्वल टू सिक्सर रेडी है तो क्या हो जाएगा एक्स बार माइनस फोर इक्वल टू सिक्स एक्स बार इज इक्वल टू टेन ऐसे अब इसका नॉर्मल की प्रॉपर्टी से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं था ये अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज के लिए रहा अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज से हो गया फर्स्ट मोमेंट का मतलब क्या होता है हम लोग अगर उससे डिफरेंस लेकर के एन से डिवाइड कर दी तो सिक्स आ रहे हैं ओके okay, तो फिर वो मेन वैल्यू क्या है तो मेन वैल्यू इज टेन उसका करेक्ट एवरेज क्या है 10 है। then, ये बताइए इफ ग्रेटर देन और इक्वल टू एन पी इज ऑलवेज मोर देन ग्रेटर देन द वेरास ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम लोग देन इफ एक्सन वाई ये भी सोल्व करेंगे ये भी सॉल्व करेंगे मीन ऑफ बायनोमल डिस्ट्रीब्यूशन ये एन है ये पी है तो मीन क्या हो गया फोर इंटू वन बाई थ्री आंसर फोर बाय थ्री देन मीडियम पूछा है क्यू वन और क्यू थ्री दे दिया है दोनों का सिंपल अरिथमेटिक मीन निकाल लो ये आ रहा है क्या Q1 वन प्लस क्यू थ्री अपॉन टू मीडियन लाइज एक्जैक्टली बिटवीन Q1 वन एंड क्यू अरे बेटा Q3 थ्री माइनस क्यू नहीं करना था Q3 थ्री प्लस क्यू वन अपॉन टू है ना ऑप्शन देख के समझ रहे कि ये दोनों तो नहीं हो सकते ना Q1 और Q3 के बीच में आना चाहिए मीडियन उसके उसके नीचे कैसे आ रहा तो है तो आंसर इज ऑप्शन बी देन मीन पूछा है इसमें मीन किधर छुपा रहता है ये सो दैट्स द आंसर पता रहा तो कितना इजी है कुछ सेकंड लगेंगे प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज नॉट अ स्विमर इज वन बाय फाइव प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ फाइव फोर आर स्विमर्स तो फाइव सी फोर इन फोर बाय फाइव रेस टू फोर ये सही है ना इंटू वन बाय फाइव क्योंकि नॉट अ स्विमर मतलब क्यू इज इक्वल टू वन बाय फाइव पी इज इक्वल टू फोर बाय फाइव पांच में से चार चाहिए देन तेरह चौदह पंद्रह तीन छोड़े वहां पे बताइए मीन अगर टू है एनपी इज इक्वल टू टू स्टैंडर्ड डिविएशन वन है मतलब वेरायंस भी वन है एनपी क्यू इज इक्वल टू वन तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी वन बाय टू एन क्यू अपॉन एनपी विल गिव यू क्यू गेटिंग इट और नॉट देन ये वाला बहुत ईजी रहता है पॉजिशन डिस्ट्रीब्यूशन में अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू फोर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव तो आंसर ये रहता है कभी भी फाइव पैरामीटर फाइव रहेगा क्यों रहता है मैं आपको प्रूफ कर देता हूं कोई बड़ी बात नहीं ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल इज इक्वल टू वॉट ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल क्या क्या कट गया बेटा e रेस टू माइनस एम और ये कट गया एम रेस टू फाइव अपॉन एम रेस टू फोर क्या बचा m और इधर आ गया फाइव फैक्टोरियल अपॉन फोर फैक्टोरियल क्या बचा फाइव आया कि नहीं एम इक्वल टू फाइव ऐसा रहा समझो ये टू और थ्री रहा तो आंसर थ्री रहेगा ये अगर सेवन और एट रहा तो आंसर एट रहेगा ये जीरो और वन रहा तो आंसर वन रहेगा ऐसा मतलब क्योंकि वैसे ही वो कट जाएगा लेकिन अगर ये थ्री और ये सिक्स रहा वैसे रह नहीं सकता तो थ्री और ये सिक्स रहा तो फिर आंसर कुछ और रहेगा ठीक है देन एरिया बिटवीन माइनस वन पॉइंट नाइन सिक्स टू प्लस वन पॉइंट नाइन सिक्स फाइव क्योंकि माइनस टू से प्लस टू थोड़ी ज्यादा है है ना तो उससे थोड़ी कम रहेगी ना अब थोड़ा सा हम अंदर आ रहे हैं माइनस टू से प्लस टू का याद है ना आपको 95.45, फाइव पॉइंट फोर फाइव तो उससे थोड़ा अंदर आ रहे हैं, तो ये अगर याद है तो बहुत ही अच्छा डायरेक्टली नाइनटी फाइव परसेंट है यस मीन इज इक्वल टू एन पी मीन इज सिक्स मीन ऑफ अ पॉइन डिस्ट्रीब्यूशन इज सिक्स इज पॉइन सिक्स मीन इज इक्वल टू वेराय इन डैश डिस्ट्रीब्यूशन मीन इक्वल टू वेरायंस पॉइन इन एग्जाम्पल ऑफ बायोपेराट्रिक डिस्क्रिक्टोमल बायो पैरामेट्रिक डिस्क्रिक्ट देखो ये समझता है बायोपेराट्रिक डिस्क्रिक्ट यूनिपेराट्रिक डिस्क्रिक्ट बायो पैरामेट्रिक कंटिन्यूस तीनों का क्या क्या क्लासिफिकेशन है एंड आपके सेट डी में कुछ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के भी क्वेश्चन थे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें छह वैल्यूज पॉसिबल है उसमें से ये दो आएंगी उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है टू बाई सिक्स ऐसा था ना वैसे आ गए तो बहुत ही अच्छा है फिर तो है ना नाइन्टी फाइव परसेंट ऑब्जर्वेशन लाए बिटवीन वन पॉइंट नाइन सिक्स तो ये दो बार आ गए बेटर इफ यू रिमेंबर इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन एंड मोड आर इक्वल सर्टन पोजिशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू टू सक्सेस ये करते हैं अपन लोग सोल्व करने वाला क्वेश्चन है कितना रहेगा टिक भी कर दिया ये देखो मीन माइनस स्टैंडर्डियन इज इक्वल टू सिक्स मीन प्लस स्टैंडर्डियन टू फोर्टीन तो मीन टेन हो रहा है सोल्व करो ना और स्टैंडर्ड फोर हो रहा है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है यही तो पता रहना चाहिए फर्स्ट प्लेस नहीं नहीं इसका फॉर्मूला बस चेंज होता है उससे क्या करना है फॉर्मूला पता रहना चाहिए सॉल्व करने के लिए समझ रहे क्या देन <coughs> ये सॉल्व करने वाला आ गया है ना अच्छा है ऐसा एक एखाद आ गया तो हम लोग डायग्राम बना के करेंगे नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिकल ये आ गया ना आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का

तो उसमें क्या होगा बेटा मीन तो ऐड हो जाएगा स्टैंडर्ड स्टैंडर्डियेशन ऐसे निकलेगा है ना वेरायसेस ऐड होंगे तो के एडिशन केरायसेज के एडिशन का स्क्वायर रूट नए वाले का स्टैंडर्ड डिविएशन रहेगा एग्जाम्पल बाय पैरामीट्रिक कंटिन्यूस बाय पैरामीट्रिक कंटिन्यूस है बेटा नॉर्मल देन ये वाला बाद में कर लेते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वैसे अभी कर लो ना क्या है एन फिफ्टी एन सिक्सटीन है मतलब मेन उसका फिफ्टी है और डिविएशन सिक्सटीन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल देखिए अब फिफ्टी मतलब किधर लोकेटेड है सेंटर में ये वाली वैल्यू फिफ्टी है अब आपको क्या पूछा फिफ्टी से कम पॉइंट फाइव है बराबर है फिफ्टी से ज़्यादा पॉइंट फाइव है ये भी बराबर है बोथ ऑफ दिस आर करेक्ट अब सिक्सटी फिफ्टी के बाद में रहेगा सिक्सटी से कम 60 से कम प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी पॉइंट फाइव से ज्यादा रहेगी तो ये वाला गलत लिखा है मतलब ऑप्शन सी इज रॉन्ग नॉट पॉसिबल हाँ सिक्सटी से ज्यादा पॉइंट थ्री हो सकता है क्योंकि सिक्सटी तो मीन के उस तरफ है समझ रहे क्या ये एरिया पॉइंट थ्री हो सकती है लेकिन ये पूरी एरिया पॉइंट फोर नहीं हो सकती है सो दिस वन इज नॉट पॉसिबल फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेरास इज इक्वल टू मीन स्क्र वैल्यू ऑफ एन एन पी तो ये बहुत ईजी है इसलिए अभी कर लेते हैं एन पी क्यू इज इक्वल टू एन स्क्वेयर पी स्क्वेयर मीन एन पी होता है ना इसको सॉल्व कर लो वैल्यू ऑफ एन एन पी निकल आएगा तो क्या बचेगा क्यू इज इक्वल टू एन पी ठीक है क्यू इज इक्वल टू एन पी देर फोर इसको फर्दर डालो क्यू की जगह डाल दो वन माइनस पी वन माइनस पी इज इक्वल टू एन पी पी और एन का रिलेशन कुछ तो भी हमको निकालना है ये क्या हो जाएगा टी प्लस एन पी पी इन टू वन प्लस एन इज इक्वल टू वन समझा क्या ये या एक स्टेप और लिख देता हूँ टी प्लस एन पी इज इक्वल टू वन तो ये क्या हो जाएगा टी इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एन मतलब अब देख लो एन अगर वन है पी वन प्लस वन वन बाय टू हो सकता है है ना सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट दिस ऑप्शन इज करेक्ट ये वाला देखो n अगर टू है तो p वन बाई टू हो सकता है क्या नहीं p क्या हो जाएगा वन बाय थ्री हो जाएगा n अगर थ्री है तो p क्या हो जाएगा वन बाय फोर एन अगर वन है तो ये तो आपने देखा वन बाय टू सो विच ऑप्शन इज बिंग सेटिस्फाइड ऑप्शन ए समझ रहा है क्या फॉलोइंग इज यूनिपेराट्रिक पॉजिशन इफ द प्रोबिलिटी ऑफ सक्सेस इज लेस देन हाफ बायोम डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड मतलब स्क्यूड टू द राइट लेस देन वन हाफ रहा तो ओके मतलब कि बायोनोमल डिस्ट्रीब्यूशन में पीक जल्दी आ गई और बाद में लंबी सी उसमें ये ऐसा है तो इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिवली स्क्यूड पॉइंट फाइव से कम है तो फ यू चेंज द पैरामीटर्स ऑफ डैश डिस्ट्रीब्यूशन शेप ऑफ प्रोबेबिलिटी शेप बेल शेप ही रहेगा बस वो थोड़ा सा स्टीप हो जाएगा या फ्लैट हो जाएगा लेकिन शेप तो बेल शेप ही रहेगाइ है डिस्ट्रीब्यूशन बताइए नंबर ऑफ डेज टू गेट अ कम्प्लीट क्योर ये तो नॉर्मल मतलब एकदम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला होगा कितने दिन लगते हैं नॉर्मली नंबर ऑफ डिफेक्ट पर मीटर ऑन लॉन्ग रोल ऑफ कोटेड पॉलिथीन शीट येस क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट इज वेरी स्मॉल एंड साइज ऑन विच युलेटिंग इज वेरी लार्ज ये करेक्ट है एरर ऑप्टेनिंग इन रिपीटेड मेजरिंग ऑफ देंथ ऑफ अ रॉड तो ये तो आपके कैलकुलेशन का एरर हो रहा है इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन से लेना देना नहीं नंबर ऑफ क्लेम रिजेक्टेड बाई इंश्योरेंस एजेंसी यह भी कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से डायरेक्टली संबंधित नहीं है या करना ही है तो बायनोमेल में बैठ जाएगा है ना आउट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लेम्स देन ये भी करना है हमको करते क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 10 4, बहुत ईजी है स्टैंडर्ड डिविएशन इन टू पॉइंट सिक्स सेवन फोर फाइव आ रहा टू पॉइंट सिक्स नाइन सेवन टू पॉइंट सेवन मीन की भी जरूरत नहीं थी क्वार्टाइल डिविएशन के लिए इफ़ अ पैरामीटर ऑफ पॉजिशन डिस्ट्रीब्यूशन इज एम एंड मीन प्लस स्टैंडर्ड डिशन इज सिक्स बाई ट्वेंटी फाइव फाइन एम कर लेते हैं बाद में कोई बड़ी बात नहीं इफ़ एक्स इज अ बाइनोमिल वेरिएट विथ पी वन बाय थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा है डरते क्या नाइनटी एन इंटू पी इंटू क्यू पूरे का स्क्वेयर रूट ये याद रखना स्क्वेयर रूट लेने का स्टैंडर्ड डिविएशन तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा टेन इंटू टू ट्वेंटी का स्क्वेयर रूट फोर पॉइंट फोर सेवन जमा क्या देन ये भी कैलकुलेशन वाला है करते हैं एक्स इज अ पॉजिशन वेरिएट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू वन कैलकुलेशन है करते हैं ये क्वेश्चन मैंने देखा था एग्जाम का पेपर में एवरेज नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट पर पेज इन न्यूज पेपर इज थ्री मतलब एम इज इक्वल टू थ्री वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ पर्टिकुलर पेज जीरो नंबर ऑफ आर एडवर्टीज माइनस थ्री माइनस एम इन टू एम रेस्टीरोन जीरो फैक्टोरियल एम की जगह थ्री डाल दो आंसर आ गया ऑप्शन ए जम रहा है क्या ए फॉर अ पॉजिशन डिस्ट्रीब्यूशन ये भी कर लेते हैं लेट एक्स बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चलो अब यहां से करना शुरू कर देते हैं अब इसको भी क्या छोड़ के कहा जाएंगे अब ये यहां से शुरू कर देते हैं एक्स इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन टू पॉइंट फाइव एंड वेराय ए प्रोबेबिलिटी दैट ए एक्स लाइज बिटवीन ए एंड टू पॉइंट फाइव इज पॉइंट फोर सेवन सेवन टू एंडिव प्रोबेबिलिटी वैल्यू एट टू इज पॉइंट नाइन सेवन सेवन टू अच्छा क्वेश्चन है तो फिर ए की वैल्यू कितनी है ऐसा पूछा है जीरो नहीं है ना ऑप्शन में ये ये ऐसा डेटा आपने को दिया हुआ है ये क्या है बेटा मीन कितना है 2.5 मीन दिया है 2.5 पॉइंट वेरायंस कितना दिया है वन वेरायंस वन है मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन भी वन है यस yes. अब आपको कोई तो भी ए की वैल्यू दी है ए की वैल्यू कुछ तो दी है सो दैट एरिया बिटवीन वाली जो एरिया है ना ये एरिया बिटवीन ए टू टू पॉइंट फाइव इज हाउ मच दिस एरिया इज गिवेन टू बी पॉइंट फोर सेवन सेवन टू समझ रहे हो क्या और आपको क्या दिया है क्यूमुलेटिव नॉर्मल प्रोबेबिलिटी वैल्यू एट टू इज पॉइंट नाइन सेवन सेवन टू मतलब फी वैल्यू ऑफ टू दिया है पॉइंट नाइन सेवन सेवन टू मतलब कि इधर कोई तो भी एक पॉइंट है जिसमें यहां से लेकर के यहां तक के प्रोबेबिलिटी कितनी है पॉइंट नाइन सेवन सेवन टू और वो पॉइंट का जेड वैल्यू क्या है वो पॉइंट का जेड वैल्यू है टू ऐसा आपको दिया इस पॉइंट का मीन का जेड वैल्यू क्या है जीरो अब आप सोच के बताइए ड्यू टू सिमेट्री क्या आपको दिख रहा है कि अगर यहां से यहाँ पॉइंट नाइन सेवन सेवन टू है यहां से यहां भी तो पॉइंट नाइन सेवन सेवन टू है बिकॉज ऑफ सिमेट्री इसकी जेड वैल्यू क्या होगी इसकी प्लस टू है तो इसकी क्या रहेगी इधर माइनस टू इसकी जेड वैल्यू रहेगी माइनस टू अब आपके पास में क्या क्या है जेड की वैल्यू आ गई तो फॉर्मूला क्या था जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्डीएशन माइनस टू इज इक्वल टू एक्स एक्स क्या है एक्स क्या था ए था एक्स की वैल्यू तो पता करना है ना ए माइनस म्यू टू पॉइंट फाइव अपॉन वन इससे ए की वैल्यू मिल जाएगी कितनी आ रही है ए इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव माइनस टू दैट इज इक्वल टू पॉइंट फाइव ये वाले, वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया हमने बेटा यूजिंग द आइडिया ऑफ सिमेट्री अगर यहां से यहां तक के माइनस पॉइंट नाइन सेवन सेवन टू है और ये प्लस पॉइंट टू प्लस टू है तो यहां से यहां भी ऐसा ही एक वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू ये समझते हो आप कि ए के बाद के एरिया पॉइंट नाइन सेवन सेवन टू है क्योंकि यहां तक पॉइंट फोर सेवन सेवन टू उसके बाद पॉइंट फाइव है यह माइनस टू हो गया अगर इसकी जेड वैल्यू पता है एक्स वैल्यू तो पता करना है ए है मीन पता है स्टैंडर्ड डिविएशन पता है तो एक्स पता चल जाएगा ना ऐसा है देन क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन करते जाओ इफ फॉर अ पॉजिशन डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल एक्स द प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स टेकिंग वैल्यू टू मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू टू इज थ्री टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टेकिंग द वैल्यू फोर ऐसा दिया है अपने को वट इज द वेरायंस ऑफ एक्स मतलब एम की वैल्यू पूछ रहे हैं तो इसको सॉल्व करना है बस तो ये क्या हो जाएगा ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू टू अपॉन टू फैक्टोरियल वल टू थ्री टाइम्स इेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू एक्स मतलब फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल सीधा लिख दो टी फोर इसको सॉल्व करके एम निकाल लीजिए क्या आ जाएगा एम रेस टू फोर अपॉन एम स्क्र मतलब एम स्क्वायर उधर आ गया क्या आएगा इसके बाद इक्वेशन है m स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब ट्वेल्व अपॉन थ्री फोर एम स्क्वायर फोर आया फोर एम कितना आ गया टू आ गया एम इज इक्वल टू टू एंड वो ही एम जो है वही क्या रहता है वही वेरायस रहता है वही वो वही वो मीन रहता है वही वेरायस रहता है तो पॉजिशन में ऐसी इक्वेशन दिया है तो बहुत इजीली कट जाती है मेन तो वो जो ई रेस टू माइनस एम वाला एक्सप्रेशन है वो कट ही जाता है कैंसिल हो जाता है देन ये वाला देखिए इफ एक्स इज अ पॉजिशन वेरिएट सर्च दैट ऐसा पी ऑफ एक्स इक्वल टू वन दिया है पी ऑफ एक्स इक्वल टू टू दिया है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो पूछा है ओके सो कैसे करेंगे हम लोग पी ऑफ एक्स इक्वल टू वन कितना दिया है बेटा पॉइंट सेवन एंड पी ऑफ एक्स इक्वल टू टू पॉइंट थ्री पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो पूछा है तो ये बात तो पक्की की और कम होते जाए नहीं सॉरी बढ़ भी सकता है तो अब इस हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो तो ठीक है दोनों का हम लोग क्या ले सकते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन पी ऑफ एक्स इक्वल टू टू ऐसा कर लो इज़ इक्वल टू पॉइंट सेवन अपॉन पॉइंट थ्री इससे क्या होगा ऑटोमेटिकली कट जाएगा ना सीधा सीधा भी कर सकते हैं एम निकल जाएगा इरेज टू माइनस एम इंटू एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल कितना आ रहा है ये ये पॉइंट सेवन आ रहा है डिवाइड बाय ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू टू अपॉन टू फैक्टोरियल तो ये आ रहा है सेवन बाय थ्री सीधा भी के तो एम मिल जाता है कैसे मिलेगा सीधे में स्टेप के बाद में तो आपको आना ही पड़ेगा ना रेशियो पर कट तो करना ही पड़ेगा ना हाँ ये वाला पार्ट पुट कर देंगे वही अल्टीमेटली वही क्या ना आपने उसका उसके साथ मैं कट कर रहा हूं आप उसको ला करके पुट कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा देखो e रेस टू माइनस एम ई रेस टू माइनस एम कैंसल हो गया तो क्या बचा m अपॉन एम स्क्वेर इंटू टू इज इक्वल टू सेवन बाई थ्री समझे क्या इससे अपने को m मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू सिक्स बाय सेवन देखो ध्यान से एम स्क्वायेयर अपॉन एम हो जाएगा ये थ्री इंटू टू सिक्स हो जाएगा सेवन नीचे आ जाएगा एम आ गया सिक्स बाय सेवन अब आपको क्या पूछा है आगे आगे आपको क्या पूछा है ई प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल टू जीरो पूछा है तो ईजी है ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू ज़ीरो अपॉन ज़ीरो फैक्टोरियल तो दूसरे दोनों एक्सप्रेशन तो जीरो हो गए तो ये क्या हो गया ई रेस टू माइनस सिक्स बाय सेवन एम की वैल्यू निकालना मेन था उसके लिए रेशियो लेंगे तो ई रेस टू माइनस एम कट जाता है और उससे अल्टीमेटली एम की वैल्यू निकल आती है गुड क्वेश्चन आया मुझसे जमा क्या क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन कौन से स्टेप में दिक्कत जा रही है बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू वन मैंने ऐसे लिखा है एक्स इक्वल टू टू यहाँ लिखा है इसके बाद ये जो डिवाइड डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में टू था उसको ऊपर ला लिया है ला सकते हैं ना ऐसा बस और फिर एम इक्वल टू सिक्स बाय सेवन आ जाता है <coughs> तो आंसर है ऑप्शन बी देन ऊपर ऊपर चल रहे हैं ना अपन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स बताओ फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ मोबाइल्स लेंथ क्या पूछे आपको फिफ्टी से सेवेंटी के बीच में तो इतना बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यहां पर देखो क्या दिया है आपको दिया है कि उसका मीन कितना है बेटा मीन इज इक्वल टू 15 ठीक है स्टैंडर्ड डिविएशन है फिफ्टीन अ पर्सन ओन्स वन ऑफ दिस मोबाइल वांट टू नो द प्रोबेबिलिटी दैट द लेंथ ऑफ टाइम विल बी बिटवीन फिफ्टी एंड सेवेंटी तो आपको यहां पर एक वैल्यू मिलेगी जो कि है बाद में रहेगा ना फिफ्टी के 70. तो ये एक्स वैल्यूज है इसकी corresponding Z values क्या रहेगी? तो ये देखो आपको दिया है 5, आपको ये एरिया पता करना है ना आपको तो ये एरिया पता करना है तो आपको दिया है ना फाइव वैल्यू ऑफ वन पॉइंट थ्री थ्री दिया है <coughs> कितना ये वैल्यू दिया है पॉइंट नाइन जीरो एट टू डेफोर ये वैल्यू कितनी हो गई उसमें से पॉइंट फाइव माइनस कर दो पॉइंट फोर जीरो एट टू ऑप्शन सी वैसे भी आप देखो ऑप्शन में दो तो नेगेटिव वाले ऑप्शन हैं प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव सेकेंडली जब ये मीन से हम लोग आखिरी तक तो जान ही रहे तो इट कैन नॉट बी पॉइंट फाइव आईधर तो बचा ही क्या एक ही पॉजिटिव वाला ऑप्शन बचा ना 50 से 70 के बीच वाला एक ही आइटम बचा यस आई होप ये पेज का पूरा हो गया अब अपन उल्टा चल रहे क्वेश्चन नंबर 44 पैरामीटर ऑफ अ पॉजिशन डिस्ट्रीब्यूशन इज एम एंड मीन प्लस स्टैंडर्ड इविएशन बोला है तो क्या हो जाएगा इसमें पॉजिशन पे देखो सीधे क्वेश्चन कम पूछे और प्रॉपर्टीज पे ज्यादा पूछे मीन प्लस स्टैंडर्ड इविएशन मीन होता है एम और स्टैंडर्ड स्टैंडर्डियशन होता है एम स्क्वेर बराबर है इज इक्वल टू सिक्स बाई ट्वेंटी फाइव और आपको एम पूछा है तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन सब्सटीट्यूट कर करके भी कर सकते हो मीन की जगह एम और स्टैंडर्डिवेशन एम स्क्वायर रहेगा कि रूट एम रहेगा रूट एम रहेगा है ना वेरायंस होता है एम तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिवेशन रहेगा रूट एम इसको सॉल्व करना है तो इसको हम लोग ऑप्शन सब्सटीट्यूट कर करके भी चेक कर सकते हैं या इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके इसका स्क्वायर वेयर लेके कर सकते हैं ऑप्शन से कर देखिए थ्री बाय ट्वेंटी फाइव इसका रूट निकालना वैसे ही मुश्किल है कौन से कौन से का रूट निकलता है दिस इज द आंसर एम प्लस रूट एम इज इक्वल टू सिक्स बाय ट्वेंटी फाइव तो वहां पर हम लोग एम की वैल्यू को डाल देते हैं ठीक है पुट करके देखते हैं फोर बाय ट्वेंटी फाइव डालोगे तो क्या आ जाएगा फोर बाय ट्वेंटी फाइव प्लस टू बाई फाइव आएगा टू बाई फाइव होता है टेन बाय ट्वेंटी बाई ट्वेंटी फाइव आ रहा था विच इज नॉट मैचिंग और इसका स्क्वेयर रूट लेना तो डिफिकल्ट तो जिसका इजी है पहले उसको चेक करेंगे देन फोर्टी टू मीन पूछा अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू सेवन इज इक्वल टू एट टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू नाइन एम पूछा है ई रेस्ट टू माइनस एम लिखूंगा तो कट जाएगा वैसे भी इंटू एम रेस्ट टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल इज इक्वल टू एट इंटू रेस्ट टू माइनस एम इंटू एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल ई रेस्ट टू माइनस एम लिखा ही नहीं मैंने लिखेंगे तो भी लिखेंगे तो भी कट जाएगा तो क्या क्या बच्चा देखो एम रेस टू नाइन अपॉन एम रेस टू सेवन एम स्क्र इज इक्वल टू नाइन फैक्टोरियल अपॉन सेवन फैक्टोरियल इन टू एट नाइन फैक्टोरियल उधर गया ये आया एम स्क्वेयर कितना आ गया नाइन नाइन ना, तो बस देर फोर एम इज इक्वल टू थ्री एम इज इक्वल टू थ्री देन ये पेज पूरा हो गया सीधा थर्टी वन यस yes. आपको पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हुए सिक्योर्ड मोर देन 60 मार्क्स ओके okay. 75 स्टूडेंट्स एवरेज मार्क इज 50 स्टैंडर्ड डिशन इज 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 बिल्कुल इजी है देखो ये अपना कर्व बन गया ये बीच में कौन है 50 60 किधर है 50 के राइट में रहेगा आपको मोर देन 60 पूछ रहे हैं अब देखिए इसकी जेड वैल्यू क्या है बेटा जीरो और 60 की जेड वैल्यू क्या रहेगी देखो 60 माइनस फिफ्टी अपॉन फाइव टू आ रहा कि नहीं आपको क्या पूछ रहे हैं आपको यह पूछ रहे हैं इसको अपन आखिरी में 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से प्रोबेबिलिटी को आपको प्रोबेबिलिटी किस चीज की दी है देखो जीरो से टू की दी है तो इसलिए बाहर की निकल जाएगी अगर जीरो से टू की प्रोबेबिलिटी है पॉइंट फोर सेवन सेवन टू मतलब ये रीजन की कितनी है पॉइंट फाइव में से माइनस करो पॉइंट जीरो टू टू एट पॉइंट जीरो टू टू एट अरे अब सेवेंटी फाइव को पॉइंट जीरो टू टू एट से मल्टीप्लाई कर दो उससे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएंगे वन पॉइंट सेवन वन टू विल बी राउंडेड ऑफ टू टू कि जब हम एक्सपेक्टेड नंबर निकाल रहे तब हैव टू राउंड इट ऑफ टू द नियरेस्ट राउंड फिगर समझे क्या बेटा 70 से सॉरी 60 से ज्यादा मार्क्स वाले चाहिए थे एक ही बच्चे का देखते तो इतने से ही चांस थे लेकिन आउट ऑफ 75 ये लगाएंगे तो इतना आता है देन ये वाला 6.9 पूरा हो गया पे नंबर 6.8 पे क्वेश्चन 29 नाइन का पूछा है बोलो क्या लिखा है प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू टू सक्सेसेस मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू टू इज हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू थ्री सक्सेसेस आपको मेन निकालना है सो so नाउ ये कोई नया नहीं रहा ई रेस्ट टू माइनस एम तो कट जाएगा तो ये क्या हो जाता है ये हो जाता है ई रेस्ट टू माइनस एम इंटू एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल फैक्टोरियल सिक्स होता है तो ये देखो ये टू और टू भी कट गया क्या बच्चा एम क्यूब अपॉन एम स्क्वायेयर इज इक्वल टू सिक्स एम इज इक्वल टू सिक्स आ रहा है क्या एम क्यूब अपॉन एम स्क्वायेर इज इक्वल टू सिक्स जिन्होंने पढ़ा नहीं उनके ऑब्वियसली ये सब चीजें थोड़ी टेक्निकल हो गई लेकिन जिन्होंने किया था उस समय क्लास तो दे आर एबल टू डू इट बोलिए अभी किधर बचे हैं क्वेश्चन नंबर फाइव सीधा सिक्सटीन के आगे का पूरा हो गया टू फोर अगेन वैसा ही क्वेश्चन ई रेस टू माइनस एम लिखता ही नहीं हूं इंटू एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल इज इक्वल टू थ्री इंटूरे रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल तो एम स्क्र ये आ कर चुके क्या अपन ट्वेंटी फोर अपॉन टू अपॉन थ्री एम स्क्वायर फोर आया था एम टू आया था एम कि नहीं therefore M 2 आता है लेकिन आपको स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा है आपको स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिविएशन पूछा है वो क्या रहेगा वो रूट टू रहेगा इतना करके भी अगर टू टिक करके आ गए तो हो गया माइनस वन पॉइंट टू फाइव उसे तो अच्छा वो स्टूडेंट है जिसने माइनस पॉइंट टू फाइव होगा एक्चुअली मतलब जो वन प्लस वन मिलने वाला था उस वो उसकी जगह वो वन भी नहीं मिल रहा टू फाइव पॉइंट टू फाइव भी गया समझे क्या ध्यान देना है, पूछा क्या है ठीक है पहले इसका तो कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू वन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटीवल टू टू देर so फोर इसका एम क्या हो गया इसका एम हो गया टू आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई टू इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटीवल टू थ्री इसका एम क्या हो गया थ्री मतलब अगर मैं बोलूँ तो एक्स बार इक्वल टू टू एंड वाई बार इक्वल टू थ्री एम या तो फिर ऐसा भी बोल सकते स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एम या वेराय ऑफ एम वेरायंस ऑफ एक्स कितना है टू एन वेरिएंस ऑफ वाई कितना है थ्री एम है ना वो एम ही मीन है और एम ही वेरायंस है ठीक है आपको क्या पूछ रहे हैं वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस टू वाई अब इसके रिस्पेक्ट में क्या होता है कि जब हम लोग वेरायंस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो देखो वेरायंस ऑफ टू वैल्यूज अगर आप दो वैल्यू को प्लस कर रहे हैं तो उनका वरायस भी प्लस हो जाएगा दो सीरीज को प्लस कर रहे तो, तो उनका वेरायंस भी एड हो जाएगा अपने एडिटिव प्रॉपर्टी देखा था ना तो वेरायंस भी उनका एड हो जाएगा तो क्या हो गया एक्स प्लस वाई रहता था तो वेरायंस कितना हो जाता था टू प्लस थ्री ठीक है कितना हो जाता था फाइव अच्छा ये देखो पहले ये देखो टू वाई का वेरायंस कितना होगा अगर वाई का वेराय थ्री है तो टू वाई का वेरायंस क्या रहेगा टू इंटू नहीं फोर इंटू वेरायंस ऑफ वाई y को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2y का वेरिएंस क्या रहेगा 4 वेरिएंस ऑफ y चेंज ऑफ स्केल स्टैंडर्ड डेविएशन पे डायरेक्ट अप्लाई होता है वेरिएंस में स्क्वायर के साथ तो वेरिएंस ऑफ 2y इज इक्वल टू बेसिकली 4 3 मतलब कि 12 वेरिएंस ऑफ 2y एंड वेरिएंस ऑफ x तो पता ही है अब वेरिएंस ऑफ x 2y रहे चाहे एक्स प्लस टू वाई रहे ये वेरायंसेस सिंपली एड हो जाते हैं वरायंस दो अगर सीरीज को हम लोग ऐड कर रहे हैं मर्ज कर रहे हैं तो अगर हम लोग उसको माइनस कर रहे हैं तो भी वेरायस बढ़ेगा अगर हम लोग उसको प्लस कर रहे हैं तो भी वेरायंस बढ़ेगा मतलब ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा टू प्लस ट्वेल्व फोर्टीन तो वेरायस विल बी इक्वल टू फोर्टीन मैं आपको बताता हूं आपकी बुक में इसकी प्रॉपर्टी है किधर इसकी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी शायद चैप्टर नंबर फाइव में चैप्टर नंबर फाइव में ये देखो ये रहा पे नंबर आपकी बुक में मैं आपको बस बता दे रहा हूं देखिए ऑफ प्लस माइनस इज इक्वल टू वेराय ऑफ एक्स प्लस वेरायंस ऑफ वाई मतलब माइनस हो रहा है तो भी वेरायंस प्लस हो रहा है प्लस हो रहा है तो भी वेराय प्लस हो रहा है ये मिसप्रिंट नहीं है तो वैसे यहां पर ये दोनों का वेरायंस क्या हो जाएगा टू में ये ट्वेल्व ऐड हो जाएगा अब पर बहुत ऑफ मिस्टेक है हम लोग टू वाई का वेराय सिक्स पकड़ लेंगे गलती से, two से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन उसको लेना चाहिए था 12। क्योंकि जब y y बनता है, तो वेराय फोर से मल्टीप्लाई होता है स्टैंडर्ड डिविएशन डबल होता है वेरायंस तो फोर टाइम्स होता है नंबर so 13, क्या लिखा हुआ है बोलो इक्वेशन बताओ ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू टू इज इक्वल टू नाइन टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू फोर प्लस नाइन टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू सिक्स अब सिमिलर आई थिंक वी हैव डन इन द क्लास इसमें ई रेस्ट टू माइनस है स्टार्टिंग से नहीं लिखते क्योंकि तीनों एक्सप्रेशन में आएगा और वो कट जाएगा एक्स इक्वल टू टू का क्या हो जाएगा इंटू एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल बराबर इधर क्या हो जाएगा नाइन इंटू ई रेस टू माइनस सेम इंटू एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल सीधा लिख दो ट्वेंटी फोर प्लस नाइनटी इंटू एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल सेवन ट्वेंटी लेट अस कन्वर्टेड इंटू डेमल्स बोलिए ये क्या हो जाएगा पॉइंट फाइव एम स्क्वेर वॉट इज नाइन बाय ट्वेंटी फोर आप एक काम कर सकते हो पूरे को एम स्क्वायर से डिवाइड भी कर सकते हो यही स्टेप में करने की अगले में करते चलो नाइन बाय ट्वेंटी फोर बताओ कितना होता है पॉइंट थ्री सेवन फाइव एम रेस टू फोर नाइन्टी बाय सेवन ट्वेंटी कितना होता है पॉइंट वन टू फाइव एम रेस टू सिक्स बोथ द साइड बाई एम स्क्र क्या बचा पॉइंट फाइव इस इक्वल सेवन फाइव एम स्क्वा पूरे पावर्स टू टू से कम हो गए अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन इक्वेशन सो लेट एम स्क्वायर भी इक्वल टू ए एम स्क्वायेर को ए बना देते हैं तो ये क्या बन गया बेटा 0.125 वन टू फाइव ए इज इक्वल टू ज़ीरोम स्क्वायर इज इक्वल टू ए इसमें आपको क्या एम पूछा है क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मतलब एम ऐसे स्टेज पर आप ऑप्शन भी सब्सटीट्यूट कर करके देख सकते हो कि किससे सेटिस्फाई हो रहा है मैं आपको रेगुलर मेथड से बता रहा हूं इसको सॉल्व करने के लिए सबको हम लोग राउंड फिगर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नहीं होगा फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये नहीं हो रहा है ना ये वन पॉइंट फाइव हो जाएगा एट से मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर वन पॉइंट वन टू फाइव इंटू एट वन हो गया ए स्क्वायर प्लस एट से मल्टीप्लाई कर रहे पूरे को थ्री ए माइनस फोर ये छोटी सी इक्वेशन बची ए स्क्वायर प्लस थ्री ए माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो इसके फैक्टर्स निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस फोर ए माइनस ए माइनस फोर समझ में आ रहे हैं ए इंटू ए प्लस फोर माइनस वन इंटू ए प्लस फोर आई कैन मल्टीप्लाई ऑन बोथ द साइड्स ना बाई द सेम नंबर तो ए माइनस वन इंटू ए प्लस फोर नो सी ए कैनॉट बी माइनस फोर बिकॉज ए किसी का स्क्वेयर है ना सो देर फोर ए की वैल्यू क्या हो गई वन देरफोर एम की वैल्यू क्या हो गई स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ वन क्या हो जाएगा वन सो दिस इज द आंसर एंड एम इज ऑल्सो द मीन

और एग्जाम में अगर मिक्स आ गया तो आप वहां पैनिक हो जाओगे समझ में नहीं आएगा तो इसलिए आपको दोनों का एक्सपेक्टेशन रखना है कुछ भी हो सकता है बोलो ये समझा क्या समझ लिया ठीक है अब ये वाला याद रहेगा ये वाली इक्वेशन का आंसर वन है तो ठीक है भाई नहीं तो सॉल्व करते बैठना फिर है ना हाँ बेटा हो गया क्या एक बच्चा है ना सिक्स बच्चा है हा बेटा इधर P of x equal to two is equal to three time <coughs> so, times P of x equal to three. वैल्यू ऑफ P यहां पर वो मत लगा देना पॉजिशन वाला ये बाइनोमियल लिखा हुआ है So P of x equal to two is equal to three टाइम्स P of x equal to थ्री बराबर है और एन कितना दिया है फोर एन इज इक्वल टू फोर अब क्या हो गया डर गए क्या अपन क्या पूछा क्या है पी पूछा है ठीक है फोर सी टू इंटू पी रेस टू टू इंटू क्यू रेस टू टू इज इक्वल टू थ्री टाइम्स फोर सी थ्री इंटू पी रेस टू थ्री इंटू क्यू रेस टू वन अब फोर सी टू कितना होता है बोलिए सिक्स सिक्स पी स्क्वा क्यू स्क्वेयर इज इक्ल टू थ्री फोर सी थ्री कितना होता है फोर थ्री इन टू फोर पी क्यू क्यू अब कैसे सॉल्व करोगे ये पी स्क्र को इधर भेज दो और ये क्यू को इधर भेज दो तो क्या बचेगा सिक्स क्यू इज इक्वल टू ट्वेल्व पी ये समझा क्या और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू टू पी क्यू को लिख सकते वन माइनस पी इज इक्वल टू टू पी मतलब थ्री पी इज इक्वल टू वन मतलब पी इज इक्वल टू वन बाई थ्री इतनी इज्जतदारी से आंसर लाए जमा क्या सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दी इज मैनी थ्री प्लस क्वेश्चंस आप लोग ने पूरा कर लिया है गुड अभी आप लोग मुझे लास्ट के 20 कुछ फाइव मिनट्स बचे आई होप आप लोग थके नहीं हो मुझे तो अभी खेलना है आप लोगों को तो पढ़ना है नहीं कौमा थक गए मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए समझ रहा हूँ मैं ऐसा बोल रही है नहीं थके वो स्मार्ट है आई अंडरस्टैंड मेंटल स्ट्रेस रहता है इस चीज का क्योंकि इतना घुस घुस के हम लोगों को क्वेश्चंस करना होता है लेकिन अच्छा कर सकते हैं आप लोग आई एम श्योर आप में से कई लोग 70, एट्टी प्लस लाओगे मैथ स्टैट्स में है ना एंड uh, जो लोगों को डर लगता है उस चीज को आप ऐसे ही फोड़ दोगे और नहीं आ रहे हैं हाँ खुद नहीं फूटना है हम लोग एक दूसरे को ऑल द बेस्ट विश नहीं करते थे हम बोलते थे फोड़ के आना <laughs> हाँ। <laughs> लिटरली <भाड़> यस <laughs> yes, फोड़ना ही ठीक है ना डेस्क बेंच फोड़ने की कोशिश करेगा नहीं फूटेगा हाँ बेटा अभी दम है क्या टेस्ट सीरीज का नहीं है चलो एक काम करते पांच मिनट की ब्रेक लेते